वो लोग भगा रहा है तो मैं भी नहीं। और इसको भी मिक्स कर। सबसे पहले पूजा का बर्तन किनारे के आज सबसे पहले मैंने पूजा किया है, उसके बाद मैं किचन में आई। ये आ गए हैं प्रभु जी। कैसी तबीयत है? अब पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। गाइस मैंने रख दिया है जार और इसमें डाल दिया है लहसुन, लाल मिर्च, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारा बन चुका है एक पेस्ट और इसमें अब हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार, इसको मिला लेंगे। तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें डाल दूंगी प्याज ढेर सारा और इसको भी मिक्स करके इसको रख देती हूँ किनारे। रख दिया पानी बॉयल होने के लिए और इसमें लगा देंगे हल्का सा आयल। तो आयल लग चुका है, बस इसमें इस तरह से छोटे छोटे। मैंने देखिए आटा भी मिला के रख दिया है कि अभी 5 मिनट में इसको मसल दूंगी तो सही हो जाएगा। और इधर मैंने देखिए सब्जी भी बना के रखा हुआ है। आलू क्या है ना फ्रेंड्स, डेली डेली एक ही चीज खाने में बड़ी बोरियत होती है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए अभी प्रभु 5 मिनट हो चुका है। चलिए देख लेती हूँ ये देखिए। और इसको चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड्स मैं ले आई हूँ एक नाइफ और इसमें डाल के इस तरह से ये देखिए हो चुका है, बिल्कुल नहीं लग रहा चाकू में। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको निकाल लेती हूँ तो अब दूसरा भी डाल देती हूँ। बस इसको फ्रेंड्स एकदम खोलते हुए पानी में डाल के ढक दे, बस 5 मिनट के बाद रेडी। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, ऐसे आप ऐसे भी गरम गरम खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं वही खाऊंगी, ये बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उन लोगों को फ्राई खाना था। तो थोड़ा सा घी डाला, प्याज डाल दूंगी, करी पत्ता भी डाल सकती हूँ लेकिन लाई नहीं थी ऊपर से अभी मैं, तो इसलिए नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से फ्राई कर दीजिए तो भी अच्छा लगता है, बिना फ्राई के भी अच्छा लगता है, मुझे तो हर तरह से अच्छा लगता है। तो चलिए बच्चों को फ्राई करके दे देती हूँ, लोग खा लें। सबसे पहले कपड़ों को देती हूँ फायदा। देखिए गाइस जगह जगह आपको ये दिख रहा कागज ना, बंदर आए थे छत पे तो मैंने आग जलाया था। और नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए आज मेरा नहाना धोना पूजा सब हो गया है, अभी मैं थोड़ी देर ऊपर बैठूंगी, थोड़ा सिकाई पैरों की करूँगी। थोड़ा थोड़ा धूप है, धूप बहुत तेज भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो पैर सेकना है मुझे और सिकाई करूंगी। उसके बाद आंवले का अचार बनाना है तो अचार बनाऊंगी, आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और ये देखिए कैसे जला है सब कागज जगह जगह। तो गाइस घुटनों में सिकाई बहुत ज़रूरी है और घुटनों में वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ी देर धूप में, सुबह 7 बजे का बोले हैं लेने को, हालांकि आज थोड़ा लेट हो गया। लेट तो उठी नहीं, मैं उठ रही हूँ आजकल 2-3 दिनों से। मैं जल्दी, बहुत जल्दी 5 बजे मेरी आँख खुल जा रही है, चेहरे पे धूप लग रहा है, इधर कर लेती हूँ। तो 5 बजे आँख खुल जाती है लेकिन यह कि नहाने में थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ जान के, तो 7 बजे तक नहाती हूँ, फिर नीचे का काम और पे धूप लग रही है। तो गाइस देखिए उधर बंदर आ गया, वो लोग भगा रहा है तो मैं भी नीचे भगने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। देखिए ठक ठक मचा रहा, मुझे डर लग रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ गाइस नीचे और सभी लोग सोए हुए हैं और मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर किचन का काम कर लेती हूँ। चलिए बनाती हूँ आंवले का अचार, आप सब इंजॉय करें। और ब्रेकफास्ट में जो बनाया है अपने लिए बनाया है महाबली बफौरी, तो उसको आप सब उसको भी इंजॉय करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को पसंद है। मसूर की दाल की भी बनती है, चने की भी दाल की बनती है, सब दालों की बनती है। और कौन कौन खाया है, किस किस को किस तरह से पसंद है, तो अपना अपना शेयर करिएगा। और चलिए अचार आंवले का अचार बनाती हूँ, तो इस चाड़े में आप सब बना के ज़रूर इस तरह से खाएँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो बिल्कुल इसको इसी तरह से बॉईल करना, ज्यादा पानी नहीं डालना। आप सबने देखा फ्रेंड्स, इसको मैंने बिल्कुल थोड़े से पानी में रख दिया था बॉईल होने के लिए और ये बॉईल हो चुका है, अभी बहुत गर्म है। और बिल्कुल पानी इतना ज्यादा ना डाले, इसमें ज्यादा पानी नहीं। देखिए बिल्कुल ये फूट गया है ना, अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए
और बहुत गर्म है तो हाथ जल सकता है। ये ठंडा हो जाए उसके बाद दिखाती हूँ। और इधर मैंने ले लिया थोड़ा सा पीला सरसों। जब तक हमारा आला ठंडा हो रहा तब तक मैं इधर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। इधर देखिए गाइस, ये ठंडा हो चुका है पूरी तरह से, तो इसको बस इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दबाइए, फिर दबाइए, इस तरह से निकाल के सारा निकाल लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बढ़िया से इसको निकाल लिया है, कि कली इसकी अलग कर दी है। और आंवला में बहुत गुड़ होते हैं फ्रेंड्स, बहुत फायदा करता है इस मौसम में, तो जरूर खाना चाहिए। और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ आंवला के नीचे खाना भी बनता था, मतलब मायके की बात बता रहे हैं, पापा अम्मा के पास, और सारी फैमिली बैठ के, बुआ का परिवार, बड़ी माँ का परिवार, और हम लोग सब भाई बहन वहाँ बनता था, बहुत ही अच्छा लगता था। देखिए कितना अच्छा लग रहा ना। तो यहाँ इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, वगैरह मैं मलाई निकाल के छान के रख देती हूँ। देखिए इसको मैंने सरसों को बिना भूने ऐसे दर दरा सा पीस लिया है। तो चलिए आगे का शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले इसको इसमें डाल देती हूँ, और अब इसमें यही पिसा हुआ सरसों, इसके बाद हल्दी पाउडर और मिर्चा आप डाल दीजिए कश्मीरी थोड़ा सा, और फिर नमक डाल दीजिए, इनको मिला दीजिए। तो गाइस थोड़ा सा इसको मैंने गरम किया था, ये ठंडा हो जाए। और तो मैं आंवला की बात करूं, आंवला बहुत फायदेमंद है इन दिनों में, तो जरूर खाना चाहिए डेली एक आंवला कच्चा। हालांकि मेरा दांत अब नहीं ऐसा कर सकता, जवाब दे दिया है, मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से मैं अचार बना लेती हूँ। और ये तुरंत फटाफट से बनने वाला है, आप बिल्कुल एक हफ्ते 10 दिन रख के खाइए इसको, बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके बनाइए खाइए, और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मैं आप सबको मिलूंगी एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब देख लेती हूँ कि ये तेल ठंडा हो गया कि नहीं। तो तेल हमारा ठंडा हो चुका है, इसको इसमें डाल दीजिए और फिर इनको बढ़िया सा मिक्स कर दीजिए। और फिर आपको करना है क्या, मैं बताती हूँ, इसमें बिल्कुल ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इतना तेल बहुत है। ये देखिए यम यम आंवला, जिसमें आपको रखना है जिस जार में उसको पहले से साफ कर लीजिए, बर्तन सुखा लीजिए, गीले बर्तन में बिल्कुल नहीं रखिएगा। तो बस इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ, आप नीचे भी रख सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं। तो मैं आज इसको रख दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा धूप लगा दूं, वैसे मेरे यहाँ बंदर आ जाने गाइस, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरा चाय बनके रेडी हो गया है, ये देखिए गाइस। तो चलिए रख देती हूँ इसको मैं थोड़ी देर धूप में। हाँ देखिए मैंने अचार रख दिया धूप में, और ये देखिए सूर्य भगवान का दिख रहा है।